किसी जेल में मुसव्वरी की तरबियत के स्कूल का होना और कैदियों का जेल की एक बैरक को आर्ट स्कूल की शक्ल दे देना यकीनन न सिर्फ सुनने और देखने वालों के लिए मुनफरिद है बल्कि खुद कैदियों के लिए भी रंगों से खेलना और लकीरों को मायने देना एक नया तजर्बा है। सूबह खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला स्वात से ताल्लुक़ रखने वाले मूसा खान भी कराची सेंट्रल जेल के इन मुसव्विर कैदियों में से एक हैं जिन्होंने जेल से बाहर किसी मंजर को कैनवस पर मुंतकिल करने के लिए कभी ब्रश तक नहीं उठाया मगर आज उनकी बेशुमार पेंटिंग्स इस आर्ट स्कूल की जीनत बनी हुई हैं। मूसा स्वात में गुड़ का कारोबार करते थे। उनकी उम्र 37 साल है और वो 13 माह से यहाँ कैद हैं। यहाँ पे आया, पेंसिल उठाया, पहले दिन से मेरे से एक ग्लास ही नहीं बनता। मैं पहले दिन बहुत परेशान भी हुआ, यहाँ पे ग्लास किस तरह बनता है। तो मैंने पेंसिल जब उठाया, ग्लास बनाने से शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक महीने में मुझे पता चला कि है कुछ, हाथ में भी है, जेन में भी है। तो शौक़ तो मेरा पहले से था। तो यहाँ पर जब मैंने लकीरें खींची तो वो लकीरें बोलती थी, वो मैं भी हैरान भी हुआ, खुश भी हुआ कि ये कैसे मुमकिन है कि इतने कम वक्त में मेरे हाथ में इतना कमाल, इतना फन। कराची जेल में ये आर्ट स्कूल 3 साल से कायम है और वक्त के साथ यहाँ कैदियों के फनपारों में पुख्तगी और पेशवराना मुसव्वरी की झलक नज़र आती है। मूसा ने इन सलाखों के पीछे बैठकर अब तक पाकिस्तान में समाजी नाइंसाफी, इंसानी हकूक बिलखसूस ख़वातीन के हकूक की पामाली और मुल्क को दरपेश इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी जैसे मसाइल को अपना मौजू बनाया है। वो कहते हैं कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी जैसे मसाइल का खात्मा तभी मुमकिन है जब हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ अवाम भी मिलकर इन अनासर के खिलाफ उठ खड़े हों। ये सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस और सिक्योरिटी इदारों के लिए अकेला मुमकिन नहीं है। जब तक सिक्योरिटी फोर्सेस और सिक्योरिटी इदारों के साथ अवाम का ताउन ना हो, उन पर नज़र रखे, हमारे आसपास ही रहते हैं ये लोग, ये जो खुदकश करवाते, बम ब्लास्ट करते, ये कहाँ से आते? आसमान से तो नहीं आते, हमारे मोहल्ले में होता है, हमारे मस्जिद में बैठता है, हमारे गांव में बैठता है, हमारे शहर में होता है, हमारे आसपास होता है, उन पे नज़र रख के। आज़ादी की तरह कैद भी एक एहसास है मगर मूसा कहते हैं कि मुसव्वरी जैसी तख्लीकी सलाहियत से वाकफियत ने उनके इस एहसास को किसी हद तक कम कर दिया है। यहाँ पे भी मतलब वो तो माहौल तो नहीं है जो हम समझ रहे थे, लेकिन फिर भी कैद है। कैद के अंदर मतलब जेल के अंदर कैद होते हुए हम ये तख्लीकी काम के साथ मुंसलिक हुए। तो यहाँ पे पायनाट जैसा कि इसके नाम से ये बेहतरीन ओनर है, हमारे जेन को एक बेहतरीन एहसासात से मतलब दोस्ती हो गई। तो इस ये एक नशा भी है, एक ऐसा पन है कि इसमें नशा भी है। तो इस नशे में हम इतना गुम है कि आप ये कह सकती है कि हम इस माहौल से बेखबर है कि हम किधर है। माशरती नाहमवारियाँ लोगों में हसासियत ख़त्म कर देती हैं लेकिन मुसव्विर हसास तबीयत का मालिक होता है। यही वजह है कि हालात वाक़यात को समझने का इन लोगों का जाविया निगाह बदल गया है। पहले हम सोचते थे, फिल्में देखते थे कि एक मसले का हल बंदूक में तलाश करो, एक मसले का हल तशद्दुद में तलाश करो, एक मसले का हल मतलब पावर के ज़रिए हल करो। अभी वो नहीं रही, अभी हम एक आर्ट के ज़रिए, एक पन के ज़रिए, एक हसीन और ख़ूबसूरत लकीरों के ज़रिए, रंगों के ज़रिए हम उसको हल करने की कोशिश करते हैं। जेल से बाहर इन मुसव्विर कैदियों में कोई चौकीदार था तो कोई ड्राइवर, कोई सेल्समैन तो किसी का अपना कारोबार था। मुसव्वरी के बुनियादी उसूलों से ये लोग वाकिफ न थे मगर यहाँ से जाने के बाद एक नई शनाख्त इनके साथ होगी। मूसा रिहा होने के बाद इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी से मुजस्मा साजी की तालीम हासिल करना चाहते हैं। आर्टिस्ट बस आर्टिस्ट है, जहाँ भी हूँ, जेल के अंदर हो, मेरे ख्याल में जेल के अंदर हो, बाहर हो, जहाँ भी हूँ, एक हसीन जज्बों का मालिक, कायनात के हसीन रंगों में ब्रश से रंगों से खेलने वाला और लकीरों पर लकीरों में सबक देने वाला। मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट जहाँ भी है,
خوبصورت جذبوں کا مالک ہے اور خوبصورت زندگی کا خواب دیکھنے والے. عائشہ خان، اردو وی او اے، کراچی.